लाख हिंदी मीडियम विद्यार्थियों में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS IPS, बाकी 1,99,970 बैक टू जीरो। यह फिल्म राइटर अनुराग पाठक की बुक 12th फेल पर बेस्ड है। फिल्म का टाइटल भी सेम ही रखा गया है। फिल्म का मुख्य सार यही है कि हारा वही जो लड़ा नहीं। विधु विनोद चोपड़ा की यह फिल्म वैसे तो IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की असल जिंदगी से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें देश के हर गांव और छोटे शहरों के युवाओं की कहानी है। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके के एक छोटे से गांव में रहने वाला मनोज कुमार शर्मा का सपना है कि वो किसी तरह नकल करके 12वीं पास कर ले, जिससे कि उसको चपरासी की नौकरी मिल जाए। लेकिन इस बीच उसका पाला एक PCS अधिकारी से पड़ता है, जिसकी ईमानदारी उसे इस कदर प्रभावित कर जाती है कि उसकी असल जिंदगी का लक्ष्य ही बदल जाता है। जिंदगी में पहली बार कोई उससे कहता है कि चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है, वह उस बात को गांठ बांध लेता है। 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है। दूसरी बार में 3rd डिवीज़न पास होता है। दादी की पूरी जमा पूंजी के साथ PCS करने ग्वालियर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जिंदगी जब परीक्षा लेने की ठानती है तो रास्ता कठिन से कठिन बनती जाती है। मनोज का सफर उसे दिल्ली लाकर खड़ा कर देता है, जहां वो संघ लोक सेवा UPSC की तैयारी करता है। 12वीं फेल एक प्रेरणादायक कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। यह एक ऐसी फिल्म है आपको यह विश्वास दिलाएगी कि कुछ असंभव नहीं है। विक्रांत मैसी ने मनोज कुमार शर्मा की भूमिका में एक शानदार अभिनय किया है। वह चरित्र में पूरी तरह से ढल जाते हैं और उसे जीवंत बनाते हैं। मेघा शंकर, अंकित विजय जोशी और अंशुमन पुष्कर ने भी सहायक भूमिकाओं में शानदार अभिनय किया है। विधु विनोद चोपड़ा ने एक बार फिर से एक शानदार फिल्म बनाई है। उन्होंने कहानी को बहुत ही खूबसूरती से बताया है और फिल्म में बहुत कुछ प्रभावशाली दृश्य भी हैं। 12th फेल एक ऐसी फिल्म है जिसे हर किसी को देखनी चाहिए। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।